देखो अगर बैटल ग्राउंड वाले गेम्स है तो आप लोगों को मालूम है कि इन गेम्स में हेलीकॉप्टर्स तो होता ही है, लेकिन उन्हें फ्री फायर के अंदर नहीं है। क्या आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है हेलीकॉप्टर्स? तो मैं आपको आंसर दूंगा हाँ, ये जरूर देखने को मिलेगा। अब ये नहीं बता सकता कौन सा अपडेट में आपको देखने को मिल जाए। मैं एक रिसेंटली गरीना फ्री फायर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, एक वीडियो के लिए था जो कि बंडल के ऊपर था, और शुरुआत तौर में एक चीज देखने को मिलता है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आता है। तो इससे यार एक अंदाजा लगता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको हेलीकॉप्टर भी देखने को मिले। अब मैं इतना प्रूफ के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब गरीना फ्री फायर ने आलोक को रिसेंटली जब लॉन्च करने वाला था तो एक छोटा सा ट्रेलर लॉन्च हुआ था जहाँ पर डीजे बजा रहा हो, ठीक है, अजीब सा करेक्टर था, तब उतना खास कोई लोग नहीं जानता था। जब वो लॉन्च हुआ तो सबको मालूम लग गया भाई ये तो रियल लाइफ करेक्टर है और ये भी आलोक अपने गेम के अंदर है। तो उससे पता लगता है कि भाई जिस टाइप से ये वीडियो क्लिप डाला गया है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सही में आपको देखने को मिलेगा अपने फ्री फायर के हेलीकॉप्टर। और उसी से मेरे को एक चीज़ क्लिप नज़र आया जो कि आपको वीडियो दिखाना चाहूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि बंदा CS मैच के अंदर हेलीकॉप्टर से बंदों को मार रहा, किल कर रहा। अब पता नहीं ये रियल है या फेक है, ये तो आप ही बता सकते हो कमेंट में। बाकी आप बताओ क्या हेलीकॉप्टर अपने फ्री फायर के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसी टाइप का आपको लीक्स अपडेट मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो कर लेना यार, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद मेरे दोस्त।